डियर फ्रेंड्स, दिस इज निशांत रस्तोगी एंड यू आर वॉचिंग CNRI। आइए अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंटेन्स द सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। पहला दिया 1 ग्राम ऑफ O2 एंड 2 ग्राम ऑफ SO2, दूसरा दिया 1 ग्राम ऑफ CO2 एंड 1 ग्राम ऑफ N2O, तीसरा दिया 1 ग्राम ऑफ O2 एंड 1 ग्राम ऑफ O3। सॉरी, तो अब आप यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपको इन तीनों को चेक करना है और बताना है। थोड़ा सा क्वेश्चन जो है वो इस आर वाला हो जाएगा, ठीक है ना। तो कोई दिक्कत नहीं है, हमको क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो देखना है, तो चलो देखते हैं। अब एक बात ये बताओ मेरे को, अगर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स देखने हैं, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स देखने, तो क्या देखें? नंबर ऑफ मोल्स। क्या देखें? नंबर ऑफ मोल्स देख लें। क्यों भाई? क्योंकि अगर 1 मोल की बात करेंगे तो 1 मोल में कितने मॉलिक्यूल हैं? Na मॉलिक्यूल हैं, ठीक है ना। अगर मैं 2 मोल की बात करूं तो 2 मोल में कितने मॉलिक्यूल हैं? तो 2 Na मॉलिक्यूल हैं। 3 मोल की बात करूं तो 3 Na मॉलिक्यूल हैं। तो मोल बढ़ेंगे तो क्या होगा? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी बढ़ेंगे, ठीक है ना। तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, मोल को चेक कर ले रहे हो भाई, मोल के हिसाब से देख ले रहे हैं। अगर सेम मोल मिलता है तो फिर सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, अगर मोल अलग अलग है तो फिर डिफरेंट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। ठीक, चलो भाई पहले को चेक करो। पहले के मोल ऑफ O2 निकालना है। मोल्स ऑफ O2 निकाला तो क्या आएगा? वेट बाई मॉलिकुलर वेट। तो मॉलिकुलर वेट कितना है? 32, ठीक है। तो 1/32 आ गया। एंड मोल्स ऑफ SO2 निकालना है, तो SO2 निकालना है तो वेट बाई कितना? मॉलिकुलर वेट। अब SO2 का सोचो तो ये 32 है और प्लस कितना? 2 × 16 यानी कि 64। बात समझ आई ना? तो ये वैल्यू कितनी होगी? 64, यानी ये इक्वल टू हो गया 1/32। इसका मतलब ये हुआ कि ये दोनों जो हैं, इन दोनों में सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे, क्योंकि यहाँ पर सेम नंबर ऑफ मोल्स हैं। चलिए भाई अगला देखिए, 1 ग्राम ऑफ CO2। तो 1 ग्राम ऑफ CO2, तो CO2 के मोल निकाल लो भैया। तो वेट बाई मॉलिकुलर वेट। अब CO2 का वेट कितना है, मॉलिकुलर वेट कितना है? तो तुमको समझ में आ रहा है कि 12 इसका है और 32 इसका है, यानी कि 44 हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसका मतलब 1/44 ये हो गया। अब यहीं पर मोल ऑफ N2O निकाल लो, तो इसका वेट कितना? 1 ग्राम दिया है। अच्छा, मॉलिकुलर वेट देखो तो N2 में नाइट्रोजन का कितना? 14 प्लस कितना? 14 और प्लस 16। बात समझ ना? तो ये वैल्यू कितनी होगी? 30 और ये यानी 44, यानी 1/44 ये भी है, 1/44 ये भी है। इसका मतलब यहाँ पर भी सेम आ जाएगा। उसके बाद में 1 ग्राम ऑफ O2 एंड 1 ग्राम ऑफ O3। तो चलो भाई ये देख लो, देखने पे ही अलग लग रहा है कि यहाँ पर O2 का कितना हो जाएगा? 32, और O3 की बात करोगे तो कितना हो जाएगा? 48। तो इसलिए यहाँ पर जो होगा ये गलत हो जाएगा। यहाँ पर अगर NO2 कैलकुलेट करोगे तो 1/32, और यहाँ पर NO3 कैलकुलेट करोगे तो 1 कितना हो जाएगा? 48। बात समझे ना? तो इसकी वजह से ये दोनों की ये क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आपको इन्हीं दो में मिलेंगे, 1 ग्राम O2 एंड 2 ग्राम SO2 एंड 1 ग्राम CO2 एंड 1 ग्राम ऑफ N2O, ठीक है ना। तो इस तरह से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे।